आज से 20 साल पहले यूआईटी जब अजमेर में थी तो इनको ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दोराई में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के लिए इनको पट्टे दिए गए और पट्टे दे करके इनको रिजर्व प्राइस पे इनको वहाँ पर सारी सुविधाएं दे दी। वहाँ विश्राम स्थली थी तो वहाँ लाइट है। अभी एडीए ने क्या किया, पानी की टंकी बनाई है और पानी की टंकी बनाकर उसमें मेन लाइन से उसको जोड़ दिया है और उसके नीचे जितनी इनकी कंपनियां ही अपनी लाइनें ले सकते हैं उसका बिल एडीएम के पास आएगा और वो पेमेंट एडीए करेगी। इनको वहाँ सारी सुविधाएं हैं। इन्होंने वो पट्टे लेकर के ले लिए। कुछ लोगों ने 111 लोगों के थे, कुछ लोगों ने अपने पट्टे बना भी लिए, पर ये शहर के बीच में से ये 20 साल से ना तो जा रहे हैं ना हट रहे हैं। सेंट एंसलम स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और केसरगंज के सारे मार्गों पर स्कूल है, बिरजानंद स्कूल। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार जो है टक्कर होती है, बच्चों को लगती है और पूरे शहर का जो वातावरण है वो ट्रक ही ट्रक चलते रहते हैं। मैंने 25 मई को माननीय जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया था कि मैं एक महीने का आपको समय दे रहा हूँ, आप कृपया इसको मेरी चेतावनी समझें और इनको बात करके इनको एक महीने में बाहर इनके गंतव्य स्थान पर जो निर्धारित स्थान है वहाँ भेज दीजिए। इन्होंने एक ट्रैफिक कमेटी की मीटिंग बुलाई, उन्होंने उनसे 10 दिन मांगे। वो 15 तारीख को हुई थी, वो 25 तारीख को, और मेरा कॉल भी 25 तारीख का था कि मैंने कहा अगर आपने 25 तारीख को नहीं दी तो इन्होंने कहा हमने रात को ट्रैफिक का ये कहा है, भाई रात को जो ट्रैफिक अगर आप बंद करते हो तो वो सुबह आके करेगा, वो ट्रक तो सुबह भी आएंगे, कब तक ट्रैफिक पुलिस लगी रहेगी। अजमेर शहर को एक तरफ आप जो है बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, अजमेर शहर का विकास करना चाहते हो और एक अजमेर शहर की यातायात असुविधा के लिए आप एलिवेटेड रोडें बनाना चाह रहे हो और ट्रकों को आप देखिए वहाँ पर दोराई में रेलवे का डंपिंग ग्राउंड, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बना है दोराई में, सामने फल मंडी है, अनाज मंडी है, वहाँ पे कृषि मंडी है, वहाँ पर आपका FCI का गोदाम है, वहाँ तेल के भंडारण की क्षमता है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं जा रहे, उसका ये वजह आज इसको जो है अब फैसला जो है, मैंने अपनी बात पे जो मैं अपने कॉल पे था मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। 26 तारीख का मैंने इनको समय दिया था और 11 बजे का मैंने टाइम दिया था कि मैं 11 बजे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा और मैं उसके अनुरूप आज मैं बैठा हूँ। अब प्रशासन जो चाहे निर्णय कर ले, इस पर निर्णय जो भी होगा वो आर पार की लड़ाई होगी, उस लड़ाई में इनको ट्रांसपोर्टरों को भेजना पड़ेगा क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है और शहर के हित में है, शहर के विकास के हित में है, शहर के बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के हित में है कि अगर ये दुर्घटनाएं रोकनी हो तो आपको भेजना पड़ेगा। और जो स्कूल कॉलेज जो सारे उसी लाइन में, केसरगंज की लाइन में आप सेंट एंसलम स्कूल से लेकर आप उधर से अगर शुरू करो तो मयूर सेंट पॉल, उसी लाइन में अगर आप आ जाओ तो सेंट एंसलम गवर्नमेंट कॉलेज और विरजानंद, ये सारे स्कूल हैं। स्कूल के बच्चे जब छूटते हैं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा ट्रक वालों से, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से क्या प्रेम उमड़ रहा है जो इस अतिक्रमण को ये नहीं हटा रहे, मेरी यही मांग है। और आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका जो स्नेह है, और ये शहर की लड़ाई है, इस शहर की लड़ाई को आपके साथ मिल करके लड़ूँगा। धन्यवाद।